हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 12 जल ही जीवन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ में आपको जल का महत्व बताया गया है कि हमारे जीवन में जल अथवा पानी कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते ही हो कि बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। हर सजीव प्राणी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उसकी बचत करनी चाहिए और जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और यह हम पानी जो है वो ईश्वर की देन है, तो उसे व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यह बातें हमें इस पाठ में बताई गई है। कहावत है, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को पग पग पर, मतलब हर जगह पर जल की आवश्यकता होती है। जल का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। हमें पीने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल से पेट में अनेक बीमारियां फैलती हैं। अशुद्ध जल से तरह तरह के कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाकर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। अतिसार, डायरिया, पीलिया, हैजा तथा पेचिस, पेचिस मतलब लूज मोशन जो होता है उसे, जैसी बीमारियां अशुद्ध जल के सेवन से ही होती हैं। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी गंदे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए उसे उबालकर ठंडा करना चाहिए, फिर उसे किसी पतले कपड़े अथवा फिल्टर से छान लेना चाहिए। ऐसा पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि आप घर में पानी को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसकी यह प्रक्रिया बताई गई है। वैसे अब तो फिल्टर पानी भी हमें मिलता है और हम अपने घर में एक्वा गार्ड और ये सब लगाते हैं, जिससे ऑटोमेटिक पानी फिल्टर होकर ही आता है। जो उसमें धूल मिट्टी जो होती है वो सब छन कर ही पानी आता है। पानी हमें कुओं, तालाबों, नदियों, झीलों, झरनों तथा बांधों से प्राप्त होता है। इन स्रोतों से, स्रोतों मतलब ये, इन माध्यम से प्राप्त पानी प्रायः शुद्ध नहीं होता। हमेशा यह पानी शुद्ध नहीं होता। कुओं में धूल मिट्टी तथा पेड़ों की पत्तियां गिरने से पानी में सड़न पैदा होती है। इससे पानी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कुएं के पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें समय समय पर लाल दवा अथवा पोटेशियम परमैंगनेट डालते रहना चाहिए, जिससे उसमें के जो कीटाणु हैं वो मर जाए और पानी शुद्ध हो जाए। नदी और तालाब का पानी उपयोग करने के संबंध में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लोग नदी और तालाब में स्नान करते हैं। वैसे कहा जाता है कि नदी का पानी शुद्ध होता है क्योंकि वो बहता पानी होता है। वो अपने कचरे जो भी है वो साथ में बहा कर लेकर जाता है, नदी लेकर जाती है, और वो सारे कचरे और सब कुछ समुद्र में मिक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग उसमें नहाते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं और उनके किनारे मल मूत्र विसर्जित करते हैं। यह गंदगी पानी में मिलती है और उसमें तरह तरह के रोगाणु पैदा होते हैं। छोटे बड़े नगरों में कल कारखानों का गंदा रसायन युक्त, जो केमिकल से पानी रहता है, केमिकल वाला, वो रसायन युक्त और गंदी नालियों का पानी नदी में छोड़ने से भी नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित होता है। तालाब और झीलों का पानी स्वच्छ रखने के लिए उन्हें गंदगी से बचाना आवश्यक है। तालाबों में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और नहाना नहीं चाहिए। इससे पानी अशुद्ध होने से बचा रहता है। हम सबको भिन्न भिन्न कार्यों जैसे पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने,
घर की सफाई करने, पशुओं को पिलाने के लिए, पौधों की सिंचाई करने तथा कृषि मतलब खेती कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मतलब हमें हर जगह पर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के हर एक क्षेत्र में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। कुछ लोगों को दूर से अपने सिर पर घड़ों में पानी लाना होता है। बच्चों आप जानते हो कि हमारे सुरेंद्रनगर में बहुत सालों पहले पानी की बहुत तकलीफ़ थी, 8-8 दिन तक पानी नहीं आते थे और लोग दूर दूर तक घड़ों में पानी भरकर सर पर उठाकर लेकर आते थे। लेकिन आज नर्मदा कैनल आने से हमें पानी आसानी से मिल रहा है और हमें उस पानी को हम कितना व्यर्थ खर्च कर रहे हैं उसे समझना चाहिए। कुछ लोग नज़दीक के कुओं, तालाबों अथवा झरनों से पानी लाते हैं। इस तरह इतने कष्ट के बाद लोगों को पानी मिल पाता है, इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि नल से पानी टपक रहा हो तो उसे अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। हमें शावर के नीचे स्नान न करके बाल्टी में पानी लेकर लोटे से नहाना चाहिए। वॉश बेसिन के पानी का प्रयोग करने के बाद नल ठीक से बंद कर देना चाहिए। हाथ पैर धोने में अधिक पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीने का पानी बड़े ग्लास में न लेकर छोटे ग्लास में लेना चाहिए। अगर पानी फिर भी बच जाए तो उसे पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। पाठशाला से आते समय वाटर बैग में बचा पानी किसी पेड़ में डाल देना चाहिए अथवा घर वापस लाना चाहिए। इस तरह हम अमूल्य जल की, अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य न हो, वो अमूल्य जल की बचत कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है, पानी बचा रहेगा तो हमारा जीवन बचा रहेगा। पानी हमें बरसात से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में बरसात का पानी बहकर तालाबों, झरनों, सरोवरों तथा नदियों में जाता है। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, इससे भूजल मतलब धरती के अंदर भूजल का स्तर बढ़ता है। कुओं में यहाँ से पानी आता है। इसका उपयोग हमारे देश के गाँव की अधिकांश जनता करती है। हमारे देश में वर्षा एक जैसी नहीं होती, कभी अधिक होती है तो कभी बहुत कम होती है। किस साल कितनी वर्षा हुई हम किस इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बरसात का पानी मापने का तरीका सरल है। यहाँ पर आपको एक आसान तरीके से बताया गया है कि हम पानी को माप सकते हैं, वर्षा ऋतु को माप सकते हैं कि इस साल कितनी बारिश हुई है। किसी मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बोतल ले लो, बोतल का ढक्कन अलग कर दो, बोतल के मुंह की ओर के वक्राकार मतलब जो सर्कल वाला भाग होता है ऊपर का, ऊपरी सतह का वक्राकार भाग से बोतल को गोलाई में काट लो। बोतल के मुंह की, बच्चों यहाँ पर आपको एक सरल सा उपाय बताया है जिससे आप समझ सकते हो कि बारिश कितनी हुई है। किसी मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बोतल ले लो, बोतल का ढक्कन अलग कर दो, बोतल के मुंह की ओर से वक्राकार मतलब ऊपरी सतह पे गोलाकार भाग से बोतल को गोलाई से काट लो। बोतल के मुंह की ओर के कटे हिस्से को बोतल से उल्टा करके रखो, यह सीधा साधा वर्षा मापक बन जाएगा। बरसात होने के पूर्व इस बोतल को मकान की छत पर अथवा खुले मैदान में रख दो। बरसात होने पर पानी इस बोतल में जमा हो जाएगा। पानी बरसना बंद हो जाए तो बोतल में जमा पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर से माप लेनी चाहिए। इस तरह हर तारीख के अनुसार मतलब हर दिन हर तारीख के अनुसार बरसात का माप नोट करते जाओ। इस तरह पूरे मौसम में होने वाली कुल बरसात को आप माप सकते हो।
बच्चों यह आसान सा तरीका आपको बताया गया है, तो आप ज़रूर इसे कर समझना और हमेशा पानी की बचत करना।